नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैक्स के बारे में। कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, कई लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड यू विल एंजॉय स्टडीइंग दिस। सो लेट अस गेट स्टार्टेड, बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्वेश्चन टैक्स का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन टैक्स की जो डेफिनेशन रहती है वो ऐसे जाती है, क्वेश्चन टैक्स आर स्मॉल फ्रेजेस एडेड टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट टू टर्न इट इनटू अ क्वेश्चन। ओके, कुल मिला के हिंदी में अगर हम बोलें तो कई बार हम बोलते हैं ना, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे, राइट? तुम पार्टी में जा रहे हो ना, राइट? और भी हम तरीके से बोलते हैं, जैसे स्कूल जाना जरूरी है, नहीं है क्या, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अच्छी डाइट लेना जरूरी है, नहीं है क्या? इसी को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैक्स। अभी सब जब हम क्वेश्चन टैक्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, ठीक? सबसे पहले इनका यूजेज होता है कन्फर्मेशन में, जब हम कन्फर्मेशन सीक करते हैं। कन्फर्मेशन सीक करना, सीक का मतलब होता है ढूंढना। जब आप कोई चीज ढूंढ रहे होते हो ना, उसे हम बोलते हैं सीकिंग, ठीक है? कन्फर्मेशन का मतलब होता है कन्फर्म करना, राइट? किसी चीज को थप्पा लगाना कि हाँ ये पक्की चीज हो गई। तो जब हम कन्फर्मेशन सीख करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी, हम हिंदी के एग्जांपल्स में चलेंगे फिर हम इंग्लिश में जाएंगे। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, स्कूल जाना जरूरी है, नहीं है क्या? तो मैं कन्फर्म करने की कोशिश करूँ, जरूरी है, राइट? सेकेंड, शोज इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। आपको मेरे एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा होगा कि आई एम क्यूरियस टू नो वेदर यू नो वेदर स्कूल जाना जरूरी है या नहीं। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग अ कॉन्वर्सेशन। ये आप तब बहुत यूज कर सकते हैं जब ग्रुप में 5-6 लोग हैं, सब शांत बैठे हैं, क्वाइट, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, या आपको किसी से यू नो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, इंगेज करना है, तो आप ये कॉन्सेप्ट वहां पर यूज कर सकते हैं, फॉर श्योर। नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन टैक्स पे। क्वेश्चन टैक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला क्वेश्चन टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स का होता है, दैट इज इट। 2-3 वर्ड से ज्यादा ये नहीं जाता, 4-5 वर्ड्स जा सकता है, बट वो फिर लॉन्ग फॉर्म हो जाता है। आई वुड सजेस्ट 2-3 वर्ड से ज्यादा ये नहीं जाता क्वेश्चन टैग। हाँ, क्वेश्चन टैग की बात करें, शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं मेरे, एडेड टू द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ये हमेशा एंड ऑफ द स्टेटमेंट में लगता है, हमेशा एंड ऑफ द स्टेटमेंट में लगता है, बिगनिंग में नहीं, बीच में नहीं, सिर्फ एंड ऑफ द स्टेटमेंट में लगता है। टिपिकली बिगिंस विद अ वर्ब, वर्ब के साथ स्टार्ट होता है, जैसे कि डोंट, आरंट, वुडंट, विल नॉट, इजंट, won't, will not और won't same है। हाँ, नेक्स्ट आता है राइजिंग इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज बोलना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी पिच जब हाई चली जाती है, जब फॉर एग्जाम्पल द पिच राइजेज इन द एंड, लिखा हुआ है उसमें कि आपकी जो पिच है वो आगे चली जाती है। जैसे मैंने क्या बोला, स्कूल जाना जरूरी है ना, नहीं है क्या? तो स्कूल जाना जरूरी है ना, मैं पहले हाईलाइट करी हूँ, देन आई एम लोअरिंग डाउन माई पिच की, नहीं है क्या? ऐसा ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन बेस्ड चला जाता है। थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर गोइंग टू द पार्टी, aren't you? क्या तुम पार्टी में जा रही हो, नहीं जा रही। शी स्टडिंग लॉ, isn't she? क्या वो लॉ पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, isn't it? क्या नहीं हो रही। ही इज नॉट कमिंग, इज ही? वो नहीं आ रहा, क्या वो आ रहा है। दे आर गेटिंग मैरिड, aren't they? वो शादी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये होता है हमारा क्वेश्चन टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ क्वेश्चन टैक्स, इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था यूजेज में, सी कन्फर्मेशन या अग्रीमेंट। नेक्स्ट है एक्सप्रेसेस सरप्राइज, ये सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है, डाउट को भी एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन में भी बहुत जाता है। इनकरेजेस कॉन्वर्सेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉन्वर्सेशन को बढ़ाता है आगे, कि हाँ किसी से आपको अगर बात करनी है तो आप ऐसे बात कर सकते हैं। टू शो इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी, सेम। टू सॉफ्टन अ स्टेटमेंट, सॉफ्टन अ स्टेटमेंट मीन्स बहुत ज़्यादा यू नो किसी पे दबाव, किसी चीज़ पे दबाव नहीं डालना, मतलब लाइटली कोई चीज़ पूछना, डायरेक्टली नहीं पूछना, इनडायरेक्टली पूछना, दैट इज वॉट क्वेश्चन टैग्स आर मेड फॉर। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें देखिए, पैटर्न वही रहेगा, सेम रहेगा, टाइप्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, दैट्स इट। बाकी रहता वही है, यस नो वाला ही सब में रहता है। जैसे पहले जो आपका, अगर आपका पहले स्टेटमेंट यस में है
तो आपका क्वेश्चन टैग नो में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अगर आपका पहले स्टेटमेंट नो में है तो आपका क्वेश्चन टैग यस में आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव, यस नो में। एग्जाम्पल दिया है इट्स रेनिंग इजंट इट। सिर्फ पढ़ते जाना है, समझते जाना है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव नेगेटिव, यस नो में। शी डजंट लाइक हिम, डस शी, यानी कि उसे पसंद नहीं करती, करती है क्या? ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ये कंफर्मिंग रहता है, इसका मतलब होता है कंफर्मिंग, जब आप कोई चीज कंफर्म कर रहे हो। जैसे ही स्टडिंग लॉ, इजंट ही, क्या मैं सही बोल रही हूं, क्या वो लॉ पढ़ता है, नहीं पढ़ता। नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्ट्रास्टिंग, यू डोंट लाइक कॉफी, डू यू? कॉन्ट्रास्ट करने के लिए भी लोग मतलब बोल देते हैं, नॉट अबाउट कंफर्मिंग ओनली, कई बार कॉन्ट्रास्टिंग भी होते हैं स्टेटमेंट, इसलिए ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं टैग क्वेश्चंस विद मॉडल वर्ब्स में। जैसे यू शुड ट्राई इट, शुडंट यू, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अभी तक हमने ना डोंट में वोंट में काम किया है, अभी ये शुडंट यू वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये शुडंट यू वाला कॉन्सेप्ट हमारा मॉडल वर्ब्स में चला जाता है, उसमें ड्रॉप डाउन हो जाता है। टैग क्वेश्चन विद सेमी मॉडल वर्ब्स, सेमी मॉडल जैसे हैव और हैड। यूड बेटर फिनिश योर होमवर्क, हैडंट यू? यू, अच्छा यूड का मतलब होता है यू हैड, यू हैड को हम यूड बोलते हैं। यूड बेटर फिनिश योर होमवर्क, हैडंट यू? ओके, नेक्स्ट टैग क्वेश्चन विद द प्रेजेंट परफेक्ट। यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट, हैवंट यू? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के साथ भी आप कर सकते हो, दैट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही होगा। टैग क्वेश्चन विद पास्ट सिंपल, यू वेंट टू द पार्टी, डिडंट यू? अच्छा यहाँ पे यू वेंट टू द पार्टी में हम वेंट वापस से क्वेश्चन टैग में तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो वर्ब है, राइट? तो यहाँ पे हम डिडंट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डिडंट उसके कॉन्सेप्ट में ज्यादा मैच करता है। इसलिए कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं जो मैं आपको समझाती भी जाऊंगी और हम पढ़ते भी चलेंगे। सबसे पहले इजंट इट, राइट? इज नॉट इट, डजंट इट, शी, ही, सब चलेगा। तो डज नॉट शी, डज नॉट ही, डज नॉट इट, आरंट दे, अच्छा ये आरंट ही बोलते हैं, ट्राई टू से आरंट ओनली, डोंट से आर नॉट दे, राइट? ट्राई करो कि आप कॉन्ट्रैक्शंस में ही बात करो, आरंट दे। डिडंट यू, वोंट यू, कांट यू, शुडंट यू, हैजंट यू, वुडंट यू, मस्टंट यू, नीडंट यू, नीडंट मीन्स नीड नॉट यू। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक छोटा सा, यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क, नीडंट यू, राइट? सिमिलरली ओंट यू, ओंट का मतलब होता है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, इसलिए हम यहां पे ओंट यू। फॉर एग्जाम्पल यू ओंट टू सर्व द कंट्री, यू ओंट टू सर्व द कंट्री, ओंट यू, आप ऐसे बोल सकते हो। माइटंट यू, माइट और मे वाला कॉन्सेप्ट है, विल यू, वुड यू, यू कैन से दिस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन टैग्स विद डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स, डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स के साथ कैसे कैसे क्वेश्चन टैग्स आप यूज कर सकते हो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल, डोंट या डजंट, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट गो टू द कॉफी शॉप, डू यू, राइट? ये आप, ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। देन शी लाइक्स कॉफी, डजंट शी? प्रेजेंट कंटिन्यूस, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, दे आर वॉचिंग टीवी, आरंट दे, ठीक है? पास सिंपल में डिडंट और सब्जेक्ट आता है, यू वेंट टू द मूवीज, डिडंट यू? पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट और सब्जेक्ट आता है, दे हैड ईटन डिनर, हैडंट दे। ये याद रखना आप कि आपका जो क्वेश्चन टैग है वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टेटमेंट टेंस, कि आप कौन से स्टेटमेंट का टेंस, मतलब कौन से टेंस का आप स्टेटमेंट बोल रहे हो। अगर आप उसको पास्ट परफेक्ट में बोल रहे हो तो आपका क्वेश्चन टैग भी पास्ट परफेक्ट में ही लाई करेगा। जैसे दे हैड ईटन डिनर, हैडंट दे। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, ही पास द एग्जाम, वोंट ही, राइट? उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है दोनों की, कि अगर क्वेश्चन टैग आपका विल नॉट यू आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं स्टेटमेंट विल पे ही जाएगा। ओके, एक्सेप्शन एंड स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। इम्पेरेटिव्स, यूज विल यू और वुड यू। एग्जाम्पल क्लोज द डोर, विल यू? थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको जाता है क्योंकि विल और वुड ना थोड़ा सा आप कंफ्यूजिंग है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अरे यहाँ पे विल कैसे यूज करें, वुड कैसे यूज करें, बट टू बी ऑनेस्ट आप दोनों ही यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो, वुड यू भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आई वी स्टेटमेंट्स, यूज डोंट आई, डोंट वी, हाँ ये याद रखना। जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, एम आई, राइट? शी इज नॉट गोइंग टू द पार्टी, इज शी? सिमिलरली वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, आर वी? They don't work here, do they?
यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ता है. नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस, यूज इजेंट इट और आरंट दे, यानी कि द प्ले इज बींग परफॉर्म्ड टू नाइट, इजेंट इट, ये आप पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हो. जैसे यहां पे हुआ क्या है ना, बेसिकली जब ये आप स्टेटमेंट देख रहे हो पैसिव वॉइस में है, द प्ले इज बींग परफॉर्म टू नाइट, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है, टाइप ऑफ पैसिव वॉइस में है. यहां पे आप इजेंट दे क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि इज यहां पे हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब काम आ रहा है, इसलिए. कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज वुडंट या फिर वुड. इफ आई वन द लॉटरी आई बाय अ हाउस, वुडंट आई, पहले पूरा कंडीशनल सेंटेंस आया उसके बाद में आपने क्वेश्चन टैग लगा दिया, ये भी आप कॉन्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है. आते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस पर. एक्सरसाइजेस तो प्रैक्टिस कर लेंगे, बट अगर आप सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे तो एवरीथिंग विल गो इन वे. एवरी वीडियो आई रिपीट द सेम थिंग बिकॉज प्रैक्टिस इज अ मस्ट. ये सब देख के घर चले जाना इज नॉट द ऑप्शन, राइट, दैट इज नॉट वॉट वी एक्चुअली वॉन्ट, दैट इज नॉट द डेस्टिनेशन. हम चाहते हैं दैट हमसे ये सब चीजें बने, एंड इफ वी रियली वॉन्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं ये, बहुत ज्यादा हाई फाई, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है जो किसी को समझना है. दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी सिंपल, टू द पॉइंट, स्ट्रेट अप, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अगर आप एक दो बार और भी वीडियो देखते हो, एक बार में भी समझ में नहीं आता है कई बार, एक दो बार और भी आप वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा. ओके, अदर देन दैट सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए. आप गूगल पे भी एक्सरसाइजेस ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्विजेस कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू अलॉट. चलिए, एक एक्सरसाइज मैं आपको करा रही हूँ, बाकी जितनी है सब आपके ऊपर है. एड क्वेश्चन टैग्स टू दी स्टेटमेंट्स. शी इज लीविंग टुमारो, इसका क्या होगा, She is leaving tomorrow, isn't she? Right? He doesn't eat meat, does he? He doesn't eat meat, does he? They are coming over tonight, are they? They are बोला ना मैंने, तो are they हो जाएगा, right? Rest is homework for you guys. I hope you enjoyed the video. Make sure to like, share and subscribe. Comment down if you have any queries. And I will see you guys in the next video. तब तक के लिए, bye bye. Hey everyone, thank you for watching this video till the end. Make sure to like, share and subscribe for further English knowledge. Also, make sure to visit our website www.speechify.in. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.